ये आपका जो इकोनॉमिक्स वाला बैच लिया जाएगा, ये लिया जाएगा इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। हेलो एवरीवन, आई एम निकिता सारस्वत, करियर साइकोलॉजिस्ट एट प्लूटिस आईएएस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप इकोनॉमिक्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है वो आपका ऑप्शनल के अलावा भी आपको प्री में हेल्प करेगा, मेंस के एसे में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो अगर मैं बात करती हूँ प्री में, तो ऑलमोस्ट 18-22 क्वेश्चंस आपके आते हैं इंडियन इकोनॉमी से, वो चीज आपको ऑप्शनल में पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस आपके आते हैं सी सेट वाले पेपर में, वो भी आपको ऑप्शनल में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं एसे राइटिंग की बात करूं, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से डेफिनेटली एक जो क्वेश्चन आता है वो आपका इकोनॉमिक में से आता ही आता है। तो आपका ये वाली जो चीजें हैं वो आपका सिर्फ अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उससे भी ये वाली जो चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि हम कब इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट करने वाले हैं आपका 24 अक्टूबर को। कि इसमें टाइमिंग्स क्या रहेंगी, हम आपको ये क्लासेस देंगे मंडे टू फ्राइडे 3:15 PM टू ऑलमोस्ट योर 5 PM। ये आपका जो इकोनॉमिक्स वाला बैच लिया जाएगा, ये लिया जाएगा इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी प्रतीक त्रिपाठी सर। तो सर का क्वालिफिकेशन क्या है, सर का आपका एमए एंड एमफिल है इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा उनको इमेंस एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इस फील्ड में वो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलेगी। आपकी जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आके प्लूटस आईएएस में अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।